हाँ जी दोस्तों, अभी क्या हाल चाल है आप सबके? भाई मैं विनोद सैनी स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे चैनल कार जनता में। अभी अपने सामने खड़ा टाटा नेक्सोन का प्योर प्लस वेरिएंट। एक शोरूम की बात कर लें तो हमें 980 के आसपास पड़ने वाला है। इंजन की बात करें तो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन आता है और इसके अंदर हमें 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी देखने को मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इस वाले वेरिएंट में हमें कंपनी की तरफ से क्या कुछ देखने को मिल जाता है तो आइए चलते करते हैं उसके बारे में बात। फ्रंट से बात करें तो ऊपर की तरफ हमें टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। फ्रंट ग्रिल की बात करें, क्रोम वगैरह में नहीं आती, सिंपल ब्लैक कलर के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। कोई लोगो, मान लो कैमरा वगैरह या पार्किंग सेंसर इसके अंदर वेरिएंट के अंदर हमें देखने को नहीं मिलते। ड्यूल फंक्शन DRL देखने को मिल जाते हैं। हेडलैम की बात करें तो प्रोजेक्टर के साथ हेडलैम आते हैं। एलईडी देखने को मिल जाएंगे प्रोजेक्टर के साथ LED। फॉग लैंप नहीं आते इस वेरिएंट के अंदर। यहाँ से थोड़ा सा एयर पासिंग की जगह भी हमें दी गई है। साइड वाले प्रोफाइल से चलोगे तो यहाँ पे हमें क्या है कि स्टील रिम इसके अंदर विद व्हील कैप हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। टायर सेक्शन की बात करें 195/8/16 का देखने को मिल जाता है। फ्रंट डिस्क बैक ड्रम देखने को मिल जाता है। साइड मिरर से बात करोगे तो टर्न इंडिकेटर और पियानो ब्लैक में हमें ये वाला मिरर देखने को मिल जाता है। इस वाले वेरिएंट में कोई अनपेंटेड कलर के डोर हैंडल आते हैं, रिक्वेस्ट सेंसर नहीं आता। रूफ रेल की बात करें तो सिल्वर कलर के अंदर रूफ रेल देखने को मिल जाते हैं। पीछे की तरफ सरफिंग एंटीना भी हमें इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। बैक से चलें, अगर टेल लैम्प सेक्शन की बात करें तो ये अपना कुछ ऐसा टेल लैम्प सेक्शन इसके अंदर रहने वाला है। कनेक्टेड वाला तो ज़रूर है बट लगता नहीं कि इस वेरिएंट में हमें कनेक्टेड देखने को मिल जाएगा। बाकी तो जब पूरी लाइट जगने वाली है तब पता लग ही जाएगा। यहाँ पर टाटा का लोगो, नेक्सोन की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ये वाला एरिया टर्न इंडिकेटर का काम करने वाला है। नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर भी हमें देखने को मिल जाएंगे और दो पार्किंग सेंसर भी देखने को मिल जाएंगे। नेक्सोन की ब्रांडिंग दी गई है। अगर टेल लैम्प की बात करें तो टेल लैम्प टेलगेट खोलने के लिए ना भाई, हमें अंदर से टेलगेट खोलना पड़ता है इस वाले वेरिएंट में। पीछे की तरफ कोई मैग्नेटिक स्विच वगैरह हमें नहीं दिया गया तो आप यहाँ से जस्ट टच करके इसको आप इसका टेलगेट खोल सकते हो। यहाँ पे टेलगेट इस गाड़ी का ओपन हो चुका है। जस्ट वहाँ पे सिंपल यहाँ से जस्ट आपको अंदर से क्लिक कर रहा है, जस्ट बटन प्रेस करना है और आपकी गाड़ी क्या है कि खुल जाएगी। यहाँ पे आपको टेलगेट खुल जाएगा। यहाँ पे 3-3 kg तक का सामान टांगने की जगह भी दी गई है। स्टील नीचे की तरफ बात करें तो स्पेयर व्हील दिया गया है। 195/8/16 का ही साइज रहने वाला है। पार्शियल ट्रे वगैरह इसके वेरिएंट के अंदर हमें नहीं देखने को मिलती। मिरर की बात करें, डिफोगर नहीं आता, स्पॉइलर जरूर है बाहर की तरफ निकला हुआ सा। शार्क फिन एंटीना आ गया, रूफ रेल आ गई। यहाँ पे स्टॉप लैंप की बात करें तो छोटा सा स्टॉप लैंप है इस बार भाई टाटा की गाड़ियों में, नेक्सोन में हमें यहाँ छोटा स्टॉप लैंप देखने को मिल जाता है। सेकेंड रो में चलें तो जो डोर पैनल वाला एरिया है वाइट कलर के अंदर देखने को मिलता है। सॉफ्ट टच है हल्का सा। ये वाला एरिया पियानो ब्लैक में देखने को मिल जाता है। पियानो ब्लैक के ही डोर हैंडल देखने को मिल जाएंगे। 4 स्पीकर आएंगे। यहाँ पे अपना पावर विंडो का स्विच दिया गया है। बोतल होल्डर, थोड़ा सा सामान रखने की जगह है। सीट कवर की बात करें, फैब्रिक के अंदर रहने वाली है। 60/40 के अंदर सीट नहीं है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट जरूर रहेंगे भाई। आइसोफिक्स वाली सीट है। 3-पिन सीट बेल्ट दिया गया है। 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है जैसे कि आप जानते ही हो। इस वाले वेरिएंट में हमें पीछे की तरफ क्या है कि AC वेंट जरूर दे रखे हैं भाई, जो बेस वेरिएंट है उसके अंदर नहीं देखने मिलते। अगर इसके बेस वेरिएंट का, स्मार्ट वेरिएंट का आप रिव्यू देखना चाहते हैं तो आपको मेरे चैनल कार जनता में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा उस वाली वीडियो का। ऊपर की तरफ कोई कैबिन लाइट वगैरह नहीं आती। इस तरफ सामान टांगने की जगह जरूर दे रखी है, हैंगर दे रखा है छोटा सा। 6 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं इस वाली वेरिएंट के अंदर हमें भाई। फ्रंट वाले डोर से चलोगे तो डोर तो वही है पिछले वाला, बट यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर जरूर दे रखा है। छत रखने की जगह भी दे रखी है। बोतल होल्डर है और यहाँ पे स्पेस भी हमें दिया गया है। पियानो ब्लैक का टच भी, फिनिशिंग भी दिया गया है। चारों पार विंडो के स्विच और पियानो ब्लैक के अंदर ही हमें डोर हैंडल दिया गया है। सीट की बात करें तो हाइट एडजस्टमेंट वगैरह नहीं आती, सिंपल एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। अगर की बात करें तो हमें इसमें क्या है कि इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन नहीं आता। यहाँ से आप इसका फ्यूल टैंक खोल सकते हो, यहाँ से आप इसका बोनट का गेट खोल सकते हो। फ्रंट डैशबोर्ड की बात कर लें तो हमें भाई 3 कलर में देखने को मिल जाएगा। ये वाला वाइट, ये वाला अपने को थोड़ा सा ब्लैक डार्क में कार्बन फिनिशिंग के साथ, और ये वाला अपने को हार्ड ब्लास्टिंग में देखने को मिल जाएगा। 7 इंच का हार्मन का म्यूजिक इन्फोटेन देखने को मिल जाएगा। एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले इसके अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। हेडलैम की बात करें, ऑटो वाली आ जाने वाले वाले हैं। ऑटो वाले रेन वाइपर भी इस वेरिएंट के अंदर देखने को मिल जाएगा। 6 स्पीड का मैनुअल गेयरबॉक्स। यहाँ से बात करें 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, एक USB पोर्ट, 3 ड्राइविंग मोड, सिटी स्पोर्ट, सिटी इको स्पोर्ट्स। यहाँ पे कप होल्डर की जगह है, यहाँ पे की रखने की जगह है, यहाँ पे अपना वही
हैंड ब्रेक दिया गया है। पूरा का पूरा टच पैनल एरिया देखने को मिल जाएगा जो अपने को दिया गया है। यहीं से आप इसके पार्किंग के बल्ब ऑन कर सकते हो, गाड़ी को लॉक अनलॉक भी कर सकते हो, यहीं से आप इसके टेलगेट भी खोल सकते हो। एसी की एडजस्टमेंट कैसी है तो मैं बताता हूँ आपको एक बार। अगर भाई एसी की बात करें इसकी, तो एसी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। भाई इस वाले एरिया से बात करें तो यहाँ पे अपने को क्या है कि एसी कंट्रोल दिए गए, ऑफ एसी ऑन कर सकते हो, यहाँ पे ऑफ़ कर सकते हो, यहाँ से एसी ऑन कर सकते हो, वो मैक्सिमम स्पीड, यहाँ पे अपना कूल हीट वाला, यहाँ पे फ़ैन की स्पीड दी गई है, यहाँ से टच वाला, चारों पार्किंग के बल्ब ऑन कर सकते हो, टेलगेट खोल सकते हो, यहाँ से गाड़ी को लॉक अनलॉक आप इसको कर सकते हो। पियानो ब्लैक फिनिशिंग के अंदर ये वाला एरिया जो दिया गया है यहाँ तक का पूरा तो एक अच्छी सी अलग फीलिंग गाड़ी के अंदर देता है बैठने के बाद। पूरे का पूरा टच पैनल एरिया है भाई, बढ़िया गजब सा लगता है देखने में। इस तरफ से बात करें यहाँ पे क्या है कि दो वाले वेरिएंट में इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन आता है, बट ये कवर नहीं कर रखा यार, ये चीज़ कवर कर देनी चाहिए थी। एसी वेंट की बात करें तो क्रोम का यूज़ एसी वेंट के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। एडजस्टमेंट तो वही अपने आप मैनुअल आपको करनी पड़ती है। अगर इस तरफ से बात करें, फ्रंट डैशबोर्ड की बात कर ही चुके हैं हम, ये वाला एरिया अपने को टच रहने वाला भाई, जैसा कि आप जानते ही हो। 7 इंच का म्यूजिक इन्फोटेन आता है, एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले इसके अंदर हमें देखने को मिल जाता है। 3 ड्राइविंग मोड भी आ गए, उसके बारे में बता चुका हूँ मैं। इल्यूमिनेशन वाला लोगो आता है स्टेयरिंग व्हील पे, यहाँ पे अपने म्यूजिक के कंट्रोल भी देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पे अपने ट्रिप के कंट्रोल भी हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर इसके टच इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाला एरिया भी हमें क्या है कि भाई ऑटोमेटिक के डिजिटल के अंदर देखने को मिल जाता है। बीच वाली जो स्क्रीन है यहाँ पे अपना हेडलाइट का बटन आता है, पेट्रोल का साइन, उस तरफ टेम्परेचर का, इस तरफ आरपीएम मीटर हमें इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। एडजस्टमेंट की बात करें स्टेयरिंग व्हील की, तो टिल्ट एडजस्टमेंट आती है भाई, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट इसके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। ठीक है भाई, तो वीडियो कैसी लगी तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। ऊपर की तरफ बात करें तो एलईडी लाइट आती है जरूर। अगर यहाँ पे बात करें सनवाइजर की, ड्राइवर साइड सिंपल और पैसेंजर साइड विद मिरर हमें देखने को मिल जाता है। ये वाला नॉर्मल आता है, डे नाइट फंक्शन वाला हमें इसके अंदर देखने को नहीं मिलता भाई। ठीक है भाई, तो वीडियो कैसी लगी तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना भाई। थैंक यू।